एक्सेप्ट दैट कि अडवाणी जी का रथ रोका है, तो अडवाणी जी के रथ रोकने से किसी मुसलमान को भोजन मिलता है क्या? 45 करोड़ का हमारा बजट था जब लालू प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण का, आज 7.5 गुना बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सीएम हाउस में कई मुस्लिम नेता कर्मी ले गए, विजुअल सामने भी आया। अब हमारे जो अल्पसंख्यकों की जो हमारे नेता हैं और सब लोगों ने अपनी भावना से माननीय नेता को अवगत कराया है और माननीय नेता ने कहा है कि आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उनको हम लोगों की पार्टी जेपीसी में अपनी बातों को रखेगी। और जेपीसी जाने का मतलब ही ये है कि पूरे जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपनी भावनाओं को जेपीसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग कि व्हाट दे फील अबाउट द न्यू वक्फ बोर्ड पॉलिसी। कुछ कानून में अच्छे हैं उसमें, कुछ कानून लोगों को लगते हैं ख़राब हैं उसमें, तो उनमें होलिस्टिक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके कानून को बनाना, क्योंकि जब जब कानून बनता है, किस कोई भी कानून बनता है, उसमें एक पक्ष होता है जो पक्षधर होता है और एक पक्ष होता है जो उसके विरोध में होता है। क्योंकि जो वक्त पर काबिज हैं उनको लग रहा है कि हमारा स्पीच जा रहा है, लेकिन जो लोगों को हर एक तरह से, तो माननीय नेता का कहना था आपकी भावनाओं को हमारी पार्टी जेपीसी में रखेगी और इंक्लूसिव डिसीजन हो उसका प्रयास करेगी। अच्छा, खुश करने के लिए आरजेडी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? एक्सेप्ट दैट कि अडवाणी जी का रथ रोका है, तो अडवाणी जी के रथ रोकने से किसी मुसलमान को भोजन मिलता है क्या? पहले बताइए, 45 करोड़ का हमारा बजट था जब लालू प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण का, आज 7.5 गुना बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। कोई राज्य है ऐसा देश में जहां आईएएस आईपीएस और बीपीएससी की परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, रेजिडेंशियल कोचिंग की? किसी राज्य का नाम बता दीजिए। 250 बच्चे बीपीएससी 2 साल में कंप्लीट किए हैं उस कोचिंग के माध्यम से। हज भवन में 7th फेज कमीशन को लागू किया मदरसों में नीतीश कुमार ने, 22,000 मदरसों को सरकारीकरण किया नीतीश कुमार ने, इस प्रदेश में सब जगह रेजिडेंशियल विद्यालय खोलने का निर्णय किया नीतीश कुमार ने। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया? अडवाणी जी के रथ रोकने के अलावा इससे कोई लड़का पढ़ता है क्या? पूरे प्रदेश में सर्वे कराया नीतीश कुमार ने, तारमी मरकज का गठन किया नीतीश कुमार ने। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो आदमी कानून बना रहा है और आपके आने वाली नस्ल और पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, उसके साथ मुसलमान खड़े रहेंगे कि खाली रथ रोकने वाले के साथ खड़ा रहे? कौन किसका किसका बात करते हैं सुबह सुबह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।